दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया स्टॉक एंड इसका नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इस कंपनी को ओन करता है। गुजरात गैस लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गई है और ये गुजरात के 23 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। इसके अलावा ये दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी काम करती है। कंपनी हैज़ मोर देन 24,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन नेटवर्क एंड इट हैज़ मोर देन 400 सीएनजी स्टेशन। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इन्होंने ग्रो किया है। ये घरों तक गैस पाइपलाइन लेकर जा रहे हैं, सीएनजी स्टेशंस बना रहे हैं और इस गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है इसका एक बहुत ही अच्छा कंपनी बनकर उभरे हैं ये मार्केट में। बात करेंगे इनके फंडामेंटल्स की। तो एक बहुत ही अच्छी लगभग 22,000 करोड़ की एक मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो लगभग 62% का डिविडेंड देती है ये और इंडस्ट्री की पी है 16 और ये हमें 21 के पी पे मिल रही है। मतलब एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है क्योंकि ये मार्केट का लीडर है तो ऑब्वियसली अच्छा इसका वैल्यूएशन है। बात करें इनके बैलेंस शीट की तो ये क्वार्टरली बैलेंस शीट है और इसमें हम देख सकते हैं अगर इनका लास्ट क्वार्टर छोड़ दें तो इसके अलावा ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स के साथ मूव कर रही थी हर क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में इसको 251 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दिस इज़ नेट प्रॉफिट एंड उसके पिछले क्वार्टर में लगभग 196 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। बात करें एनुअल प्रॉफिट की तो लगातार पिछले 3 सालों से इसका ग्राफ आप देखेंगे 291 करोड़ टू 416 करोड़ एंड देन अराउंड 1200 करोड़ इन द लास्ट ईयर। सो दिस इज एनुअल बैलेंस शीट। अगर हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की तो राइट नाउ इट इज़ 0.55 और इन मार्च 2016 इट वाज 1.12। तो लगातार इनका डेट कम होता जा रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम बात करें आरओई आरओसी और आरओए की तो ये काफ़ी अच्छे हैं। आरओई लगभग इनका 36 के आसपास है, आरओसी अराउंड 23 है एंड आरओए मोर देन 15 है। तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है कंपनी। और अब हम इनके थोड़ा टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये वन डे कैंडल्स हैं सारी, इसमें आप देख सकते हैं ये दिस इज़ ग्रे लाइन विच इज़ शोइंग 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज़ 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस ग्रीन वन इज़ 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये लगभग 20 और 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ही आगे चल रही है बराबर, अगर इसका ये ग्राफ देखें वन डे का। और अभी ये ऑलमोस्ट अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो करेंट प्राइस इसका 316 है। अगर ये 305 और 310 के आसपास अगर हमें मिलती है दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस टू बाय। हम यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं और आगे ये हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। और अगर हम एक इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही चल रही है और लगातार एक हायर हाईज एंड हायर लोज इसमें दिख रहे हैं। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है, इसके लोज अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाते हैं तो एक कंसर्न पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड गोइंग और ये हमें अच्छा रिटर्न देने वाली एक कंपनी लग रही है। इनका जो चार्ट है वो बता रहा है कि ये ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये हम आज की हमारी रिसर्च थी गुजरात गैस लिमिटेड के ऊपर। इसको अपने रडार में बनाकर रखिए और हम आगे भी इसी प्रकार के और स्टॉक्स पे चर्चा करते रहेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।